बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर हम चाहते हैं कि ये फील्ड ना प्रयोग करके अपनी फील्ड प्रयोग करना तो कस्टमाइज कॉलम्स पे जाइए। यहाँ पे इन जो फील्ड्स आपको चाहिए वो रख सकते हैं, बाकी डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे तो सारी डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यस, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्ट डी और फिर साथ में यस करने के लिए वाई। देखिए सारी फील्ड मेरे पास डिलीट हो गई। अब मैं ऐड कर लूँगा जो फील्ड मुझे चाहिए, नेम और एड्रेस। दो फील्ड ऐड करने के बाद उसको मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ अप डाउन में, और चाहूँ तो उसका नाम भी बदल सकता हूँ बाद में, नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं उसे ओके करता हूँ मेरे पास एड्रेस लिस्ट के लिए बॉक्स आ जाएगा जहाँ मैं उसका एड्रेस और नाम दोनों भर सकता हूँ। देखिए मैं दो एंट्री अब फिल की है मैंने नाम और एड्रेस में। न्यू एंट्री करने के साथ ही मेरे पास दूसरा बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने एंट्रीज कर ली है जो मुझे एंट्री चाहिए थी, इसके बाद मुझे सिर्फ ओके करना है। ओके करते मेरे से नाम पूछेगा डेटाबेस का, डेटाबेस का नाम लिख के मैं सेव कर देता हूँ तो डेटाबेस का नेम सेव हो जाएगा। यहाँ से आप इन दोनों फील्ड जो आपने खुद बनाई है नेम के आगे क्लिक करें, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाकर नेम पे क्लिक कर दें। इसी तरह से एड्रेस के आगे क्लिक करके इंसर्ट मर्ज फील्ड पे एड्रेस के आगे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए आपकी अपनी बनाई हुई फील्ड्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। प्रीव्यू रिजल्ट्स ऑफ रखेंगे तो सिर्फ फील्ड्स दिखाएगा, और रिजल्ट्स प्रीव्यू रिजल्ट्स ऑन रखेंगे तो डेटा भी साथ में दिखाएगा। अगर वह हाईलाइट बंद करना चाहते हैं तो हाईलाइट ऑफ कर सकते हैं फील्ड्स को। आप चाहें तो फील्ड्स आपकी जो बनाई हुई फील्ड्स है उसको मैच भी कर सकते हैं। मैच फील्ड्स पे क्लिक करें, फर्स्ट नेम के आगे यहाँ क्लिक करें और जिस फील्ड से हम मैच करना चाहते हैं, जैसे नाम के साथ मैं फर्स्ट नेम मैच करना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ क्लिक कर दिया। इसी तरह से एड्रेस के आगे एड्रेस पे क्लिक कर दिया ताकि वो एड्रेस से मैच हो जाए और उसको ओके कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट नेम नेम के साथ और एड्रेस एड्रेस के साथ मैच करेगा। अब चाहते हैं तो अब यहाँ से फिनिश और मर्ज पे जाके एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ से जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके लिए लेटर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप कस्टमाइज अपनी फील्ड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं मेल मर्ज। राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में हमारे पास रूल्स की कमांड और भी है। ये जो रूल्स की कमांड है इसको प्रयोग करने से पहले हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं मैनेजर को लंच और डिनर दोनों पे इनवाइट करना चाहता हूँ और बाकी जो स्टाफ है उसे केवल लंच पे इनवाइट करना चाहता हूँ। ऐसी कंडीशंस बनाने के लिए देखिए मैंने दो बदलाव किए हैं यहाँ पे। एक डेजिग्नेशन जो कि आपको ये बताएगा कि ये कौन से लेवल का व्यक्ति है या क्या कार्य करता है, और एक ये लाइन है मेरे पास अलग से, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड ऑन, जिसको मैं लंच या डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। इस कार्य को करने के लिए रूल्स पे जाऊंगा मैं। देखिए हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। इफ एंड एल्स को पिक करूंगा, फील्ड नेम टाइटल अगर ये बराबर हुआ किसके मैनेजर के तो लंच एंड डिनर दोनों टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा जहां पे मेरा कर्सर था, नहीं तो लंच इंसर्ट हो जाएगा अगर वो मैनेजर नहीं होता है व्यक्ति। इसे ओके कर दूंगा। अब प्रीव्यू रिजल्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले राधा जो कि टीचर है वो केवल लंच पे इनवाइटेड है। फिनिश मर्ज करके एडिट रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स ओके कर दीजिए, मर्ज डॉक्यूमेंट ऑल और ओके। देखिए जो अजय है वो हमारा अकाउंटेंट है और वो लंच पे इनवाइटेड है। इसी तरह से विजय है जो क्लर्कल लेवल का व्यक्ति है, जो क्लर्क है उसको लंच पे इनवाइट किया गया है। सुमित जो मैनेजर है हमारा उसको लंच और डिनर दोनों पे इनवाइट किया गया है। इसी तरह से राधा जो टीचर है उसको केवल लंच पे। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज में जैसे हमारे पास सेलेक्ट रिसिपिएंट था, हम एग्जिस्टिंग लिस्ट न्यू लिस्ट कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अलग से कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ, टाइप न्यू लिस्ट, और मैं चाहता हूँ इसमें ये वाले फील्ड्स ना प्रयोग करके अपने फील्ड प्रयोग करूँ, तो इसके लिए मैं कस्टमाइज कॉलम्स को प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए इन सब फील्ड्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट यस। शॉर्टकट के लिए आप अल्टर के साथ डी प्रयोग कर सकते हैं और वाई साथ में यस के लिए। तो देखिए काफ़ी सारी जल्दी से हमारी कमांड्स डिलीट होगी। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ एक नाम और एक एड्रेस को।
जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए केवल दो ही फील्ड मेरे पास रह जाती हैं, नाम और एड्रेस। मैं यहाँ एंट्री इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी। न्यू एंट्री पे दूसरी एंट्री, देखिए मैंने अपनी एंट्रीज ऐड कर ली हैं यहाँ पे। जैसे ही इसे ओके करता हूँ ये एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल हो जाती हैं। इसको मैं अलग से कोई डेटाबेस का नेम दे सकता हूँ। अगर आप किसी को किसी प्रकार का मैसेज भेजते हैं तो जो एनवेलप्स जिस पे मैसेज भेजा जाता है उस एनवेलप के ऊपर आप अपना एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं और उसका एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हैं जिसको आपने लेटर भेजना है या जिसको आपने वो एनवेलप भेजना है। इसके लिए आप एनवेलप पे जाएं, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस नोट करें। डिलीवरी एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे आप रिटर्न एड्रेस भी टाइप करें। इस तरह से आप दोनों डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ से आप जो आपका एनवेलप है उसका साइज भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉन्ट, डिलीवरी एड्रेस के लिए फॉन्ट सेट कर सकते हैं यहाँ से फॉन्ट्स के ऑप्शंस के द्वारा, और इसी तरह से रिटर्न एड्रेस के लिए भी आप फॉन्ट का ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसा भी फॉन्ट का ऑप्शन आपको चाहिए। इसको ओके कर दीजिए। ऐड टू डॉक्यूमेंट, यस। जैसे आप ऐड टू डॉक्यूमेंट यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास एनवेलप्स का साइज के हिसाब से आपके पास सेक्शन तैयार हो गया। यहाँ पे वो जो एड्रेस जिसको आपने मेल करना है और जो आपका रिटर्न एड्रेस, दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हो गया आपके पास। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में एनवेलप्स को बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं।